स्वागत है आपका टीवी 100 में और मैं आपके साथ हूँ हिमानी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जानती है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है, जनता में बदलाव की लहर है और सवाल उठ रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की जनता का आखिर मूड क्या है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारी संवाददाता खुशी राणा भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो जनता से बात कर बताएंगे कि आखिर जनता का मूड इस बार किस पार्टी की ओर ज्यादा है। चलिए सीधे खुशी की तरफ रुख करते हैं। ओवर टू यू खुशी। जी बिल्कुल हिमानी, दिल्ली में फरवरी के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जो है तमाम राजनीतिक दलों के बीच में खींचतान का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू हो गया है। लगातार जिस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है कि बाद एक तमाम तरह के अभियान जो है राजनीतिक दलों द्वारा शुरू किए जा रहे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, जनता मौजूद है, जनता के पास जाएंगे और बात करेंगे कि आखिर अब की बार जनता की पसंद कौन होगा। अब की बार विधानसभा चुनाव फरवरी के महीने में दिल्ली में होने वाले हैं, अब की बार जनता की पसंद कौन रहेगा? जनता की पसंद भारतीय जनता पार्टी रहेगी क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता जान गई है, जो दिल्ली में कार्य नहीं हुए, केजरीवाल ने सिर्फ एक ही भाला लगाया, मुझे काम नहीं करने दिया, और दूसरी तरफ बोलता है कि सबसे ज्यादा काम मैंने किया। अगली लाइन वो बोल देता है सबसे ज्यादा काम मैंने किया, तो झूठ बोलता है। जनता जानती है उसने कोई कार्य तो किया नहीं, और सेंटर में भी बीजेपी रहेगी और स्टेट में भी रहेगी तो कार्य जल्दी होंगे और जो भी पॉलिसीज होंगे उस जल्दी इम्प्लीमेंट होंगे। सर, एक के बाद एक तमाम तरह के अभियान जो है राजनीतिक दलों द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। आज भी आम आदमी पार्टी द्वारा एक नया अभियान शुरू किया गया, रेवड़ियों पर चर्चा। लगातार आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों पार्टियां जो है जनता के बीच में जाके जनता को साधने का काम कर रही है, उनकी समस्याएं सुन के समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। क्या लग रहा है अब की बार जो ये जनता से मिलाव है पार्टियों का कितना असरदार साबित होगा? देखो, आम आदमी पार्टी तो झूठ बोल के और लालच दे के वोट लेती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसीज हैं वो सॉलिड पॉलिसी होती हैं, वो हर वर्ग तक। 140 करोड़ है सबका साथ सबका विकास जो उनका नारा है, तो सबको वो पॉलिसीज का लाभ उठाते हैं। लेकिन केजरीवाल ने मेडिकल वाली पॉलिसी लागू होने नहीं दी दिल्ली में, 5 लाख के लिए लोगों को तरसाया, तो जनता ये जानती है कि वो कौन कार्य कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो यानी कि अब की बार सरकार में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होगा, और जनता जानती है कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारी की है, चाहे वो शराब का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बसों का भ्रष्टाचार हो, चाहे नौकरियों का भ्रष्टाचार हो, सारे भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल ने रिकॉर्ड तोड़ा है। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? जी, दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने की प्रबल संभावना है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने क्या कहा था चुनाव के अंदर, मुझे वोट दो मैं कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा, सड़कें मैं लंदन पेरिस जैसी बनाऊंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, यमुना नदी को हर छठ माता की पूजा के ऊपर वो हर बार एक नई तारीख देते हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ तारीख पे तारीख। मैं तो उनको ये बोलना करता हूँ, दिल्ली में यमुना नदी कंचन गंगा जैसी साफ हो गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख लंदन, क्या 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 आए थे आप, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। दिल्ली का हाल देखा है, लंदन पेरिस बन गई दिल्ली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और क्या बोलते थे आप नगर निगम चुनाव के अंदर, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हट गए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, झूठ बोले कौवा काटे। क्या है ये, टूटी सड़कें, डबल इंजन की सरकार, नगर निगम में भी आप लोग, विधानसभा में भी आप लोग, कौन आपको काम करने से रोक रहा है? पूछ रहा हूं ना, LG साहब की कुछ पावर है, लेकिन हर जगह LG साहब आपके काम पे रुकावट नहीं लगाएंगे। अगर आप गलत करेंगे तो LG किस लिए होती है, उपराज्यपाल एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर। आरोप लगाते हैं ना सर, आम आदमी पार्टी
कर रहे हैं सरकार में? वो तो कल को ये कह देंगे हमें घर में सोने भी नहीं दे रहे मोदी जी, उनका शक्ल देख के हमें नींद नहीं आ रही, फिर क्या होगा बताइए जरा, ठीक है ना। तो ये तो अब जाति सत्ता हाथ से है, आखिरी समय आ गया है, तुम्हारे सत्ता से बाहर होने का समय आ गया है। अब मुझे बता दो तुमने 8 दिसंबर 2022 करेक्ट, और आज क्या है 22 नवंबर 2024, 1 साल 11 महीने से ऊपर हो गए, आपने दिल्ली नगर निगम में क्या किया? आपने कमर्शियल का हाउस टैक्स बढ़ा दिया, जब तक बीजेपी थी हर साल हाउस टैक्स के अंदर लोगों को छूट मिला करती थी, माफी के अंदर छूट मिला करती थी। पिछले 2 साल से आपने हाउस टैक्स में कोई छूट दी? कमर्शियल का आपने टैक्स बढ़ा दिया, और आम जनता को रेजिडेंस के अंदर आपने कोई छूट नहीं दी 2 साल से, क्यों नहीं दी? आप कहते थे कि हम बसें दिल्ली के अंदर 15,000 बसों की जरूरत है, DTC की बसों की हालत देखी है? 2011 के बाद कौन सी बसें आई, और जो इलेक्ट्रिकल बसें आई जिस पे आप दावा करते हैं वो तो मोदी जी और केंद्र सरकार की देन है, और आप दावा आप करते हैं बाकी क्लस्टर बसें हो तो प्राइवेट है, प्राइवेट वाला तो आपसे पैसे लेता है, तो देगा? दिल्ली में 15,000 बसों की जरूरत है, कितनी चल रही है बताओ जरा। धन्यवाद सर। मुद्दों की बातचीत यहां चल रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर सब अपनी अपनी राय इस वक्त पेश कर रहे हैं। तो ये आपने सुना दिल्ली में चुनावी माहौल क्या है, कौन किसको इस वक्त चाहता है, परिवर्तन इस वक्त होगा या नहीं? अगर मैं कहूं कि इसको झूठ बोलने का सबसे बड़ा माहिर आदमी है जिंदगी में तो केजरीवाल है। अगर मैं ये कह दूं कि झूठ बोलने में इतने माहिर है कि इसको गिनी बुक्स में भेज दो ना, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला और कोई भी आदमी नहीं है संसार। किस तरह के झूठों से परेशान है जनता आखिरकार? आप किन झूठों की बात कर रहे हैं सर, वो भी बताइए जनता को। नहीं जानते इतने क्या झूठ बनाऊंगा कि है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। सबसे बड़े जितने वायदे किए थे एक बता दो इसने पूरा किया, और जितने भी किए थे। केजरीवाल जी कहते हैं शिकार दिया स्वास्थ्य के लिए जो है अस्पताल, नजर आ रही है कि इस वक्त दिल्ली की जनता के दिल में क्या है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। यहां पर अभी सरगर्मियां तेज थी, कभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब आ गया है, और ऐसे में जनवरी से फरवरी माह के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने लिस्ट भी जारी कर दी, उसी को लेकर जनता अपनी राय भी यहां पर रखती हुई नजर आ रही है, और बता रही है को इस बार सरकार से किस हद तक नाराज है। दिल्ली सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसी के साथ साथ बदलाव की राह पर भी वो चर्चा करते हुए नजर आए, और उन्होंने ये भी बताया कि इस बार जनता परिवर्तन की राह चाहती है, लेकिन उसकी राह किस तरह होगी, क्या परिवर्तन में सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना काफी है, या फिर और कुछ भी आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा, या फिर ये परिवर्तन सत्ता परिवर्तन है, एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, ये भी अभी भी असमंजस बना हुआ है, इस पर भी चर्चा अभी चल रही है, जनता अपनी अपनी राय सबके समक्ष रख रही है, और दिल्ली की जनता इस वक्त चाहती है कि सरकार वो बने जो उनके काम करे, और अपने कामों को लेकर भी चर्चा वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या ऐसे कार्य हैं जो अब तक हुए और जो अभी तक नहीं हुए, और जिनको वो चाहते हैं कि वो हो जाए, और उसको लेकर वो किस सरकार को चाहते हैं दिल्ली के अंदर, उस पर भी लगातार वो अपनी अपनी राय अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जनता अपनी अपनी इस राय के बीच ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि उनको जो चाह है, उनकी जो चाह है उसके अंदर सरकार उनके हिसाब से काम करे। हालांकि अभी तक उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर ऐसी तमाम परेशानियां हैं जो उनको बीते कुछ समय में हुई है, और उन्हीं का इस वक्त वो निस्तारण चाहते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, महज कार्य ऐसा है जो वो चाहते हैं कि जो हो समय पर उनके पूरे काम जो है वो हो। लेकिन अभी तक ऐसी कई मांगे हैं जो लगातार जनता की बनी हुई है, हम ग्राउंड जीरो से लगातार आपको अभी रूबरू भी करा रहे थे, जहां पर जनता अपनी राय पेश कर रही थी कि जनता को किस पर भरोसा है, जनता इस बार दिल्ली में क्या चाहती है, क्या वो कांग्रेस है, क्या वो बीजेपी है, क्या वो आम आदमी पार्टी है, क्या गठबंधन करके आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जनता के मन में है। तो इस पर तमाम विचार तमाम अपनी अपनी प्रतिक्रिया जनता देती हुई नजर आ रही है, और इस बीच जनता यह भी कह रही है कि उनको
उम्मीद है कि इस बार हर सरकार, हर पार्टी ये सोच समझकर सामने आएगी कि उसने किस हद तक सरकार के अंदर रहते हुए कार्य किए हैं और लोगों को किस तरह से खुश भी करना है। और इस बीच पार्टियां भी उसी हिसाब से रणनीति बना रही है। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने तो शुरुआत भी कर दी है इसकी। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची 11 उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसके अंदर सबसे पहले विधायक रहे यहां से पूर्व विधायक छतरपुर से प्रत्याशी उनको घोषित किया है, ब्रह्म सिंह तंवर को, जो कि हाल ही दिनों में बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद मैरौली विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से आम आदमी पार्टी ने राम सिंह नेताजी को उम्मीदवार घोषित किया। इसी तरह से 11 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। और इस बीच अब बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या और कोई पार्टी, चाहे वो बसपा हो या कोई भी पार्टी हो, लोकल पार्टीज यहां पर अपनी एंट्री मार सकती है, या फिर वो आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो सकती है, जो कि दिल्ली चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा सकती है। और ऐसे में कोशिशें यहां पर की जा रही है, जनता अपनी राय भी रख रही है। जनता चाहती है कि इस बार उनके समर्थन की सरकार आए, उनकी समस्याओं को सुनने वाली सरकार आए और एक ऐसी सरकार का गठन हो जो जनता के जो है लिए काम करे। और इसके लिए जनता अपनी राय रख रही है। और इस बार चुनौती ये भी है, आम आदमी पार्टी सरकार लगभग 10 सालों से राज कर रही है दिल्ली के अंदर, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उनके खिलाफ, इस वक्त सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ चल रही है। वहीं बीजेपी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी बढ़त यहां पर बनाई थी, बीजेपी के लिए मैदान भी इस वक्त सज चुका है। बीजेपी भी अब अपनी रणनीति पर चर्चा कर रही है, बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। उसी के साथ कांग्रेस भी लगातार ताल से ताल मिलाते हुए बैठकें अपनी लगातार कर रही है। और इसी बीच आज कांग्रेस और बीजेपी ने बड़ी बड़ी बैठकें भी बुलाई दिल्ली के अंदर आगामी चुनाव को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का परिवर्तन अब की बार हमें देखने को मिल सकता है या फिर अब की बार दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? दिल्ली में बिल्कुल उसी तरह का आपको ट्रेंड दिखेगा जो कि महाराष्ट्र में, झारखंड में और अभी जो पिछले राज्यों में, हरियाणा में जो ट्रेंड आया है, कहीं पे कोई भी सूरत नहीं है इस केजरीवाल की सरकार का आने का। आप ये कहते हो कि किन मुद्दों की बात करते हैं, आप ये बताइए कि ये किस मुद्दे पे जाके जनता के बीच में वोट मांग सकता है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके जितने भी मुद्दे थे वो सिर्फ कागजी वादों पे रहे, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो जमुना जी है, चाहे वो कूड़े के ढेर हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो पानी है। पिछले 10 सालों के अंदर जो सरकार दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी, ऐसी सरकार को वोट मांगने का कोई हक नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी लगातार कहते कि हम जब से दिल्ली में आए हमने दिल्ली का शिक्षा मॉडल सुधार दिया, स्वास्थ्य मॉडल सुधार दिया और साफ तौर पे जो है इस समय कर रही है। इसी पूरे मामले को पार्टी को एक अभियान भी शुरू किया पर चर्चा, जिसमें इन जो जो चीजें मैंने अभी बताई इस मुद्दों को लेकर बीच में जाएगी और जनता को कितना लाभ मिला। सुन रहे थे जनता की राय, जनता इस पर अपनी राय रखती हुई नजर आई कि जनता किसको चाहती है। हालांकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती हुई जनता भी नजर आ रही है, तो ये कुछ उनको लेकर उनके फेवर में बोलती हुई भी नजर आ रही है। जो है वो क्यों बर्खास्त किए, जिनको की मुफ्त की तनख्वाहें दे रही थी, उन पहलों में हमारे इलाके के भी कई लोग थे जो अपने घर के लोगों को इन्होंने फेलोशिप के लिए दिया हुआ था। अगर इतना ही इनका शिक्षा का मॉडल बना है तो आज तक दिल्ली का स्टेट बोर्ड क्यों नहीं बना? पिछले 10 सालों से उस पर ये काम कर रहे हैं। हर बात पे सिर्फ एक ही बात कह देना कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, तो ये तो एक बहुत बढ़िया बहाना है। आप किसी का भी नाम ले लो और इनके लिए इनका ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप ब्लेम लगाओ, किसी बात का जवाब नहीं दो। आपसे पूछा जाए खीरे का भाव, आप जवाब दो टमाटर के भाव का। आप जो मुद्दा है उस पर चर्चा कीजिए एक बार। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मुफ्त की रेलवियों के ऊपर
इन्होंने अपनी एक अभी जो भी ये इन्होंने जो भी काम शुरू किया है, मुफ्त की रेवड़ियां आपने बांटी, लेकिन किन में बची? एक घर में अगर जीरो बिल आया तो अगले घर में 700 रुपए का बिल आया। आप उन बिलों को जाके चेक करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितना बड़ा घोटाला किया है इन्होंने। हर चीज के अंदर छुप के घोटाला किया है और ये घोटाले इनके सामने आ चुके हैं। ऐसा ही कोई आदमी इतने इतने महीने जेल में, आज जैन साहब को 2.25 साल हो गए हैं वो जेल में, मनीष सिसोदिया कई महीनों 18 महीने जेल में वो भी रहा, केजरीवाल जी भी जेल में। ऐसे मुख्यमंत्रियों को या मंत्रियों को जेल में डालने को ये कोई युगांडा या ये कोई अफ्रीकन कंट्री नहीं है कि आपने किसी को भी उठा के डाल दिया। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन थे, आपके ऊपर कोई ऐसे आरोप थे, तभी आप गए। सर, मैम, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बार जनता की पसंद कौन रहेगा? बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। और ये बड़ा क्लियर कट है। रीजन देखिए, जैसा कि आपने अभी हमारे उनसे साथी से पूछा रेवड़ियों के ऊपर, तो रेवड़ियां ही तो वो हमेशा पब्लिक को खिलाते चले आ रहे हैं। आज तक इतने साल की अपनी सत्ता में उन्होंने रेवड़ियों के अलावा किया क्या है? काम कुछ किया नहीं, ना यमुना जी साफ हुई, ना किसी भी और जो स्कूल मॉडल, मैं एक दो जो स्कूल मॉडल की बात बताती हूँ मैं आपको। मेरे पास कुछ बच्चे जो अंडर प्रिविलेज, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो खुद आके बताते हैं, कहते हैं हम लोगों को बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन जब कोई नेता या कोई फोटोग्राफर तब तो सारे इस बीच जनता अपनी अपनी राय रखती हुई नजर आई और जनता का ये कहना है कि उन्हें इस बार उम्मीदें हैं कि सरकार उनके लिए, उनके फायदे के लिए कार्य करेगी। और जनता से इस वक्त संवाद करते हुए टीवी 100 की टीम आप तक तमाम जानकारी पहुंचा रही है और जनता के राय को, मूड को इस वक्त बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन जनता इस बार नाखुश भी नजर आई आम आदमी पार्टी सरकार के रिपोर्ट कार्ड से, और इसके साथ कुछ कुछ जनता यहां पर उनसे खुश भी नजर आई और कुछ सीधे सीधे कहती हुई नजर आई कि इस बार बीजेपी सरकार। और ऐसे में इसी तरह से तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है जनता की, जहां पर हर कोई अपनी अपनी जो है बात रख रहा है और बताता हुआ नजर आ रहा है कि उन्हें क्या उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं, कौन सी सरकार उनकी होने वाली है। इसी के साथ लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर जनता अपनी अपनी राय रख रही है कि उन्हें दिल्ली के अंदर किस सरकार की जरूरत है, दिल्ली के अंदर वो किस सरकार को चाहते हैं। और ऐसे में जनता की मिश्रित प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में जनता ये भी कह रही है कि उन्हें उन मुद्दों पर बातचीत करनी है जो जनता ने, जो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। और ऐसे में ही ये परेशानियां यहां पर निकलकर सामने आई जिसको लेकर जनता नाखुश भी है कुछ कुछ चीजों को लेकर, और कुछ कुछ चीजों में जनता ये भी कह रही है कि उन्हें बदलाव चाहिए, आम आदमी पार्टी सरकार से कुछ बदलाव की उम्मीद उनको यहां पर लग रही है। लेकिन हालिया दिनों में बदलाव के तौर पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, आतिशी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर, पूर्व मुख्यमंत्री कहे के कहले के अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उनको बदलकर यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया। शायद इस फैसले को भी जनता पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर रही है और भी कई ऐसे बदलाव है जो जनता इस वक्त चाह रही है, जिसको लेकर जनता उम्मीद लगातार बरकरार कर रही है।